कौन आ गया इतनी सुबह सुबह यार। हाँ अरे मैम आप अभी इस वक्त यहाँ? आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था वो। अरे आप मुझे बुला लेती, आप क्यों आई, क्यों तकलीफ की? वो मैम आप खड़ी क्यों है, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, भाड़ा लेने आई हूँ, वो भी पूरे 5 महीने का। मैडम खाली 1 महीना रुक जाइए, मैं आपको अगले 5 महीने का भाड़ा भी एडवांस दे दूंगा, पक्का मैम। पिछले 5 महीनों से मैं यही सुनते आई हूँ, आज के आज मुझे पैसे चाहिए वरना कल के कल रूम खाली करो, समझे? अरे मैम लेकिन यार अब कल तक इसको भाड़ा कहां से दूंगा? वो मैम यही ना कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दे सकती हूँ, मगर मगर क्या मैम? मगर मेरी कुछ जरूरतें हैं, अगर उन्हें पूरा कर दिया तो मैम तो तुम्हारा सारा किराया माफ और बदले में एक न्यू जॉब पार्ट टाइम। बोलो मंजूर है? अंदर आ जाओ। कैसी लगी तुम्हें ये पार्ट टाइम जॉब? अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, लाखों कमाओगे और कस्टमर लाने का काम मेरा और उन्हें खुश करने का तुम्हारा। जो भी आएगा उसमें से 20% कमीशन मेरा। बोलो मंजूर है? ये लो 7 बजे इस एड्रेस में पहुंच जाना और हाँ पैसे कैश पर ही लेकर आना, ओके? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। यार मजा आ गया आज की पार्टी में। क्यों, इससे पहले इतनी सारी पार्टीज की सब खराब थी क्या? अरे नहीं यार, झक्कास थी, लेकिन आज की पार्टी स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी जान एज ए प्रोड्यूसर लॉन्च हो रहा है तू सिगरेट की फिल्मों में। अरे मेरी जान, आज जो धंधा सिगरेट फिल्मों में है ना, वो बड़ी फिल्म में नहीं। क्या? और मुझे तो पैसा कमाना है, और वैसे भी नाम मेरा नहीं तेरा जाने वाला है। चीयर्स। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं माँ।
अच्छा माँ, कितना पैसा लगेगा? अरे माँ, घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, पैसा मेरे पास है, मैं दे दूंगा। अरे वो सब तू मत सोच माँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो क्या है कि मैं वो पार्ट टाइम जॉब करता हूं ना, तो पैसा सेव कर करके मैंने जमा किया है। अच्छा माँ मैं फोन रखता हूँ, थोड़ा मीटिंग में हूँ, हाँ बाद में कॉल करता हूँ। यार मुझे लगता है कि फिल्म बनाने की जो प्लानिंग है ना, कुछ टाइम के लिए कैंसिल करनी पड़ेगी। मेरे फादर की हालत बहुत सीरियस है। हेलो। हाँ मधु मैम, मैं आज शाम की फ्लाइट से घर जा रहा हूँ, कोई बुकिंग मत लेना। रात की फ्लाइट से जाना है ना, तो मना किसने किया है? तुम जा सकते हो। मेरे पास तो डे की पार्टी एक, जो एक घंटे का लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मेरी मान और लास्ट में एक काम करके चला जा। अच्छा फिर जब आएगा तब कर लेना। ठीक है मैम। चलो ठीक। आ रहा हूँ रघु बाबा, 10 मिनट रुको तो सही। अरे अच्छा तू कभी भी आना यार, लेकिन सुन मेरा सामान पैक कर देना, पूरा बैग पैक कर देना। और सुन सारे के सारे पैसे है ना बैग में बिल्कुल नीचे रखना। कहाँ रखेगा? बिल्कुल नीचे। हो जाएगा रघु बाबा, हो जाएगा, पहुंच रहा हूँ मैं। चल ठीक है, बाय। अरे भाई जल्दी चलो ना थोड़ा यार। यार जल्दी चलो ना यार। हाँ बोलिए मैम। अगर घर से नहीं निकले हो तो रुक जाओ, क्योंकि डील कैंसिल हो गई है। क्या? क्योंकि जिसके पास जा रहे थे उसका हस्बैंड आज घर जल्दी आ गया है, इसलिए। अच्छा नो प्रॉब्लम मैम, वैसे मैं उनके घर के नजदीक तक पहुंच ही गया था। चलो अभी गांव से वापस आके कॉल करता हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। और एक सेकेंड, जल्दी आना क्योंकि काम भी स्टार्ट करना है फिर से हमें। ओके रखता हूँ भैया। यूटर्न लो, यूटर्न। मोंटू, मोंटू, ए मोंटी। अरे यार मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई यार, चल मिलकर पैकिंग करते हैं। मोंटू, मोंटी, रघु जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होंगे तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए।
और हाँ, आते समय मैंने तुम्हारा सारा पैसा अपने साथ ले आया। तुम समझ सकते हो ना भाई, जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। मोंटू, मोंटू, तूने क्या किया यार? तेरे बाप की जिंदगी का सवाल था। देखो, राजेश यहाँ पे किसी वक्त आ सकते हैं। तुम जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, पर मुझे तुम्हारी कुछ मदद की जरूरत है। वो मेरे बाप की जिंदगी का सवाल है, मुझे बस 5 लाख रुपए चाहिए। देखो, मेरे पास तुम्हारे जो भी पैसे थे वो मैंने तुमको दे चुका है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं तुम्हारे लिए, तो तुम प्लीज यहाँ से जाओ। देखिए मैम, प्लीज प्लीज, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ मत छोड़िए, मुझे अकेला मत छोड़िए मैम, प्लीज। ओके ओके बेट, ये लो, इतने ही है मेरे पास। और हाँ, आज के बाद मुझे भूल जाना, क्योंकि राजेश को सब कुछ पता चल चुका है। सिर्फ इतने पैसे? इतने पैसे में क्या होगा मैम, इतने कुछ नहीं होगा मैम, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, ये बहुत कम है। मेरे पास इतने है, और आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना, क्योंकि राजेश को सब पता चल चुका है। देखो, मेरे पास जो था कौन है? राजेश, वो ये वही है तेरा यार जिसके साथ तू गुलछर्रे उड़ाती है। नहीं राजेश। और तू साले औरतों को फंसा के उसे पैसा खींचता है। राजेश, तो राजेश, राजेश, छोड़ूंगा नहीं तू। राजेश, राजेश, खेल, आज खिलाता मैं तुझे खेल। राजेश, आके खोलो, राजेश आके खोलो, राजेश, मैंने खून किया।